नमस्ते एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं ब्रूम आर्ट। ब्रूम आर्ट सीखने के लिए हमें फेविकॉल लगेगा, झाड़ू होती है, झाड़ू के स्टिक, पतले पतले स्टिक वो लगने वाले हैं, कलर लगने वाले हैं, पेपर। इसमें मैंने पहले ड्राइंग करके ली है, एक हट बनाया है, एक ट्री बनाई है, स्काई दिखाया है, पीछे क्लाउड दिखाए हैं। अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नीचे एकदम हल्का हल्का कलर मारना है ताकि उसके अंदर हम दूसरा कलर यूज कर सकें। तो उसका इफेक्ट थोड़ा अच्छे से आएगा। फिर ट्री को वैसे ही करते हैं, ऊपर हल्का हल्का कलर मारना है। सन की लाइट ऊपर होती है तो ऊपर जो है हल्का हल्का कलर मारना है। बीच बीच में डार्क डार्क कलर मारना है। फिर इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। इसके बीच में हम डार्क कलर यूज करेंगे। नीचे जो है शैडो होती है उसकी ट्री की, तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा डार्क करेंगे। फिर हम नीचे ब्राउन कलर करेंगे, ये भी लाइट कलर करके लेना है पहले। फिर वन साइड से आपको डार्क करना है। यहाँ पे इसकी शैडो होती है इसलिए यहाँ पे हमने डार्क किया है। फिर हम स्काई बनाते हैं। क्लाउड जो होते हैं वाइट होते हैं तो उसको हम वाइट छोड़ेंगे। बाकी हम इसमें कलर करके लेंगे।
इसको हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया। कुछ पंछी दिखा सकते हैं उड़ते हुए, फिर हमने यहाँ पे एक ब्राउन कलर कर दिया येलो कलर। अंदर डार्क कलर करते हैं, इसको थोड़ा शैडो करते हैं, अभी हमें ये जो फेविकॉल है फेविकॉल जो है वो यहाँ पे हमें लगाना है। फेविकॉल यहाँ पे अच्छे से लगा के लेना है। फेविकॉल लगाने के बाद जो हमने झाड़ू की स्टिक ली है पतली पतली, वो इसके ऊपर हमें चिपकानी है। ऐसे थोड़े थोड़े करके यहाँ पे चिपकाना है। ऐसे आपको चिपकाते जाना है। बाकी जो है वो कट करना है। तो ये हट रेडी हो गया। ऐसे आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करके आप अलग अलग ड्राइंग, अलग अलग ब्रूम आर्ट बना सकते हो। थैंक यू।